दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का शव धर्मशाला के खनियारा में स्पुर्दे खाक कर दिया गया है। हालांकि पहले यही क्यास लगाए जा रहे थे कि अभिनेता के शव को मुंबई ले जाया जाएगा। बावजूद इसके मुंबई से धर्मशाला आए परिजनों ने ऐसा न करते हुए उन्हें यही दफना दिया है। जानकारी के अनुसार अभिनेता आसिफ बसरा की बहन और अन्य लोग धर्मशाला पहुंचे हुए थे और इस दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आसिफ का शव उनके सुपुर्द कर दिया था। काबिले गौर है कि बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने पालतू कुत्ते की रस्सी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में दिवंगत अभिनेता का डीएसपी बलदेव की अगुवाई में परिजनों के सामने ही पोस्टमार्टम करवाया गया। आसिफ पिछले कई दिनों से अपनी विदेशी महिला मित्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उन्हें धर्मशाला में दो जगह मकान लीज पर ले रखे थे और वो अपने पालतू कुत्ते को भी घुमाने बाहर ले गए थे। घर वापसी के बाद उन्होंने उसी रस्सी का फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया। उनकी बहन की अगुवाई में उन्हें खनियारा के पास बने कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। दिवंगत अभिनेता के अंतिम संस्कार में सिर्फ उनकी बहन चुनिंदा मित्र मौलवी मोहम्मद कामिल और वो महिला मित्र जिनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में गुजर बसर कर रहे थे ही शामिल हो पाए। इतना ही नहीं, पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। इस दौरान मौलवी मोहम्मद कामिल ने कहा कि अभिनेता आसिफ बसरा को हिमाचल बेहद पसंद था, वो यहीं रहना चाहते थे। यही वजह है कि उन्हें धर्मशाला की ही जमीन पर स्पुर्दे खाक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके परिवार में अब इस रस्म को अदा करने वाला कोई भी शख्स बाकी नहीं बचा था, इसलिए बहन ही धर्मशाला आई थी। और बड़ी विडंबना ये भी है कि उनकी बहन के पति की मौत भी हाल ही में हुई थी, जिससे वो अब और भी ज्यादा सदमे में है। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, मैं जामा मस्जिद धर्मशाला की सेवा करता हूँ। यहाँ एक आदमी जिनका नाम आसिफ है, वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, उनकी इंतकाल हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, उनको दफनाने के लिए यहाँ आए। नहीं, वो एक्चुअल में दो दिन उनकी डेथ को हो गई और परिवार में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। इनको देखने के लिए इनकी बहन हमारे पास मौजूद है, वो आई है। उनके भी हस्बैंड की डेथ रिसेंटली हो चुकी है और ये महाराष्ट्र में कहीं के रहने वाले थे, वहाँ भी इनको टाइम लगता, सो इस वजह से यहाँ इनकी ख्वाहिश थी हिमाचल में रहना और कुदरत ने किसी भी तरह उसको पूरा करा दिया। तो इनकी विश थी कि धर्मशाला में रहें, हिमाचल का इनका काफ़ी लगाव रहा हिमाचल के साथ। इनके बहन से आपकी कोई बात? बहन हमारे पास मौजूद है। बहन से आपकी बातचीत हुई? जी जी जी। क्या कहा उनकी सहानुभूति ये थी कि वो यहाँ दफना है, वो साथ में लेकर जाने के लिए वो इतनी सक्षम नहीं थी क्योंकि इनके पेरेंट्स जो है बूढ़े हैं और फैमिली में शायद कोई और नहीं है। बहन आई है, वो अपनी बेटी के साथ आई है, उनके हस्बैंड की भी अभी हाल ही में डेथ हुई है।